अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद भरोई और असद भरोई व्लॉग्स में खुशामदीद। फ्रेंड्स, मेरे पास मौजूद हैं दो पोमरेनियन के पपी। ये फीमेल है और ये मेल है। इस वक्त मैंने इनको नहलाया है तो बाल थोड़े गीले हो रहे हैं, सूख जाएंगे अभी। और आज की वीडियो का मकसद है कि मैं ये वैक्सीन लेकर आया हूं उनके लिए। ये बायोकैन पपी की वैक्सीन है, ये आप देख सकते हैं। ये लिक्विड है और ये पाउडर है। ये बायोकैन पपी की वैक्सीन है। ये 47 डेज के हो चुके हैं, 45 डेज पे ही वैक्सीन होनी चाहिए, दो दिन में लेट हो गया हूँ। 47 डेज के हो चुके हैं और तमाम पपीज़ को जितने भी हैं मैं उनको टाइम पर वैक्सीन करता हूँ ताकि कोई भी डिजीज़ ना हो इनको। तो ज़्यादातर मेरे पास जो लोग कॉल करते हैं और मुझे बोलते हैं कि जी हमारे पपीज़ जो है ना कि पारवो में आ जाते हैं, पारवो में आ गए, बीमार हो गए। और अपना अक्सर ये होता है, इसकी वजह सारी यही होती है कि वैक्सीन ना होना। अगर आप वैक्सीन टाइम पे करेंगे, पपीज़ को डिवम टाइम पे करेंगे तो कभी भी पपीज़ बीमार नहीं होंगे। उसके बाद भी होते हैं बीमार, सफाई सुथरे का भी ख्याल रखना होता है, लेकिन वैक्सीनेशन लाजमी होती है। अगर आप वैक्सीन करते रहेंगे तो पपीज़ बीमार नहीं होंगे। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वैक्सीन करते हैं, पूरी कंप्लीट वैक्सीन करते हैं, उसके बाद भी पपी बीमार हो जाता है। उसकी और भी वजूहत होती हैं, पपी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, उसमें भी पपी पारवों में आ जाता है, बीमार होता है, और गंदगी होने से भी पपी बीमार होता है। तो आज मैं इनको सेफ्टी के लिए इनकी वैक्सीन कर रहा हूँ। आज ये फर्स्ट शॉट है, उसके बाद मजीद इनकी एज के हिसाब से इनको वैक्सीन होती रहेगी। तो चलें बगैर टाइम ज़ाया कि इनको वैक्सीन करते हैं और फिर इसके बारे में बात करते हैं। क्या हुआ? खाएं दूसरा। तो इन दोनों पपीज़ को मैंने वैक्सीन कर दी है, इनको फर्स्ट शॉट हो गया है। अब सेकंड शॉट इसी तरह मैं 21 दिन बाद इनको करूँगा, फिर उसके बाद बायोकैन एलआर का 21 दिन बाद, उसके बाद फिर बायोकैन एलआर का 21 दिन बाद। इस तरह इनकी वैक्सीन कम्प्लीट होगी, उसके बाद फिर एनुअल पे चली जाएगी। तो वैक्सीनेशन कर रहा था, सोचा आप दोस्तों से भी शेयर करूँ। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आती रहे। ये ले।